Hey everyone, welcome back to my channel Art Cocktail. मैं हूं निशा, आपकी होस्ट. कैसे हैं आप सब? होप्स आप सभी अच्छे होंगे. मैं भी अच्छी हूं. तो आज की वीडियो में मैं आपको रेजिन के साथ में एक बाउल बताऊंगी कि बाउल हम लोग कैसे कास्ट करेंगे रेजिन के साथ में. रेजिन के साथ में मैंने पहले आप लोगों को कोस्टर्स बनाना सिखाया है, जिसमें कि मैंने कलर्स कैसे डालते हैं, ग्लिटर का कब यूज करते हैं, ये सभी आपको बताया है. तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि सेम उसी मोल्ड के साथ में, जो मोल्ड हम लोग पोस्टर्स के लिए यूज करते हैं, लाइक राउंड शेप में कोई भी मोल्ड हो आपके पास, उस मोल्ड से ही हम एक बाउल कैसे क्रिएट कर सकते हैं. तो बाउल को मोल्ड करने के लिए हमें क्या क्या टेक्निक्स चाहिए और क्या क्या चीजें जो कि घर में हमारी अवेलेबल होंगी, और उनको यूज करके हम एक सुंदर सा बाउल क्रिएट करेंगे, जिसे कि आप स्नैक्स रख के अपने गेस्ट के सामने सर्व कर सकते हैं और गेस्ट भी देख करके काफी इम्प्रेस्ड हो जाएंगे. इस बाउल को हम काफी तरीके से यूज कर सकते हैं, लाइक ज्वेलरी प्रिजर्व करने में, लाइक एन एस्ट्रे यूज कर सकते हैं, या गेस्ट आएंगे तो उन्हें स्नैक्स देने में यूज कर सकते हैं, जिसको बनाने का तरीका काफी ज्यादा आसान है. तो चलिए आइए, मेरी स्टूडियो में लेके चलूंगी मैं आपको, और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये कास्टिंग करते हैं. चलिए आइए और स्टार्ट करते हैं. इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ हेक्सन्स की अल्ट्रा क्लियर रेजिन, जैसे कि मैं 3:1 में यूज करूंगी. मैं 1 part ऑफ हार्डनर ले रही हूँ. 3 parts मेरा रेजिन था एंड 1 part मेरा हार्डनर है. अब इन दोनों को मैं एक सेपरेट ग्लास में मिक्स करूंगी. मिक्स करते समय आप कॉर्नर्स को स्क्रैप करते रहें. कॉर्नर्स को स्क्रैप करना ना भूलें, इस तरीके से आपका रेजिन अच्छे तरीके से क्योर नहीं होगा. मैं आइसक्रीम स्टिक का यूज कर रही हूँ इसे मिक्स करने के लिए. काफी अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है. आप देख सकते हैं अभी हमें रेजिन और हार्डनर दोनों अलग अलग दिख रहे हैं. अभी मैं हेक्सन की ही डस्ट पिगमेंट्स ले रही हूँ. मैंने गोल्ड कलर लिया है और इसे मैं ब्रश के हेल्प से अपने सिलिकॉन मोल्ड के ऊपर में ब्रश करूंगी, ताकि मुझे थोड़ा गोल्ड इफेक्ट मिल जाए. मैं गोल्ड डस्ट के साथ में कॉर्नर्स को भी फिल करूंगी. ये टेक्निक कंप्लीटली ऑप्शनल है, मुझे ये ट्राई करना था, इसलिए मैंने इस बाउल के ऊपर इस टेक्निक को ट्राई किया है. आप चाहें तो इसे क्लियर भी रख सकते हैं,
और चाहे तो इसमें अपने कलर के अपने पसंद के पिगमेंट्स भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं इसमें गोल्ड एंड पिंक यूज करने वाली हूँ। ये मैंने इसमें पिंक कलर डाला है और इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। याद रखिए कॉर्नर्स को स्क्रैप करना ना भूलें। अगर कॉर्नर्स को आप स्क्रैप नहीं करेंगे तो रेजिन अच्छे से क्योर नहीं होगा। बस मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करती जा रही हूँ, कलर सही से ब्लेंड हो जाए। और अब मैं इसे अपने मोल्ड में पोर करूंगी। मैं यहाँ ग्लव्स यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ग्लव्स के साथ में कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ, लेकिन आप ग्लव्स जरूर पहनें, वो आपके हैंड्स को प्रोटेक्टेड रखेगा। अभी मैं इसे ड्राई होने के लिए 4 to 5 hours के लिए रख दूंगी, जिससे कि ये हाफ ड्राई होगा। मैं 5 hours के बाद इसे रिमूव करूंगी। आप देख सकते हैं ये पूरे तरीके से क्योर नहीं हुआ है, ये अभी हाफ क्योर हुआ है और काफी सॉफ्ट है। तो इस टाइम में हम इसे मोल्ड कर सकते हैं। देखिए बेंड हो रहा है। अब मैं एक स्टील का बाउल लूंगी जो कि हमारे किचन में इजीली अवेलेबल होता है, और उसके ऊपर मैं इसे सेट करूंगी। सेट करने के बाद मैं इसे बाउल के इनसाइड में डालूंगी और इनसाइड में अच्छे तरीके से फिक्स कर दूंगी। मैंने बाउल में फर्स्ट कोकोनट ऑयल अप्लाई कर दिया था ताकि वो स्मूथ रहे और जब मुझे इसे रिमूव करना हो तो मुझे तकलीफ ना हो। आप देख सकते हैं ये बाउल कितना ही ज्यादा सुंदर बना है। अभी मैं इस पे थोड़े ग्लिटर पाउडर डालूंगी और क्लियर ट्रांसपेरेंट रेजिन डालूंगी ताकि ये थोड़ा सा और शाइनी दिखे। सॉरी मैं उसकी वीडियो शूट करना भूल गई हूँ। आप देख सकते हैं क्लियर रेजिन डालने के बाद और ग्लिटर पाउडर डालने के बाद ये कैसा दिखता है। आप सभी ने मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा, आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने इसमें जो मोल्ड मेरे पास पहले से था जिसे मैं कोस्टर्स बनाया करती थी उसी के साथ में मैंने ये बोल को ट्राई किया। तो इसके लिए आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। अगर आपने रेजिन परचेज करके रखा हुआ है तो उसके साथ में आप काफी वैरायटी की चीजें बना सकते हैं, ना कि सिर्फ एक कोस्टर्स ही बनाए। और टेक्निक भी काफी इजी है। मैं चाहूंगी कि मैं भी 6 का सेट बनाऊं ताकि मैं इसे एज एन आइसक्रीम बाउल यूज कर सकूं। होप आप सभी को भी अच्छी लगी होगी। मेरी ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और अब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूले। और अगर मेरी किसी भी आर्टवर्क को आप रिक्रिएट करते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे टैग करना ना भूले। मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।